ऑडियो जंगल। लोकसभा के चुनावों से पहले नरेंद्र मोदी जी ने एनडीटीवी के कार्यक्रम आपकी अदालत में अपने प्रोग्राम के दौरान बड़ी बड़ी बातें करी थी। बड़े हाथ हिला हिला के कहा था ये पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद कीजिए, पाकिस्तान के अंदर घुस के उसको मारिए, उसको उसी की भाषा में जवाब दीजिए। और जब रजत शर्मा ने पूछा था कि 26/11 को जो कुछ हुआ अगर आप उस वक्त प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, तो मोदी साहब ने कहा मैं वही करता जो मैंने गुजरात में किया था। मोदी साहब आप कहां हैं अब? पाकिस्तान में घुसने की बात करते थे या तो पाकिस्तान घुस रहा है भारत के अंदर, दीनानगर में आके शहीद कर गया भारतीयों को, पठानकोट में आके नौजवानों को शहीद कर दिया, नौजवान बच्चे शहीद हो रहे हैं। 1.5 माह हुआ था एक नौजवान शादी को, वो शहीद हो गया। कितने लोग मारे जा रहे हैं, क्या कर रहे हो आप? तो कहते थे दाऊद को पकड़ के लेके आएंगे वहां से, क्या हुआ? वो कौन सी भाषा है पाकिस्तान की जिसमें आपने उनसे बात करनी थी? देश जानना चाहता है, बस भाषण ही करना आता है। अरे भाषण तो किसी भी कलाकार को मुंबई से लाकर खड़ा कर दीजिए, आपसे भी बेहतर कर लेगा। लोगों को अभिनेता की नहीं एक नेता की आवश्यकता है। आप उस गुजरात से आते हैं जहां से सरदार पटेल आते थे, कम से कम सरदार पटेल के नाम की लाज रखिए। और अब मनमोहन सिंह को, सोनिया गांधी को, कांग्रेस को कोसना छोड़िए। अब यही मत कहते रहिए उन्होंने ये किया था, उन्होंने वो किया था। जनता अब जानना चाहती है आप क्या कर रहे हो। बस विदेशी दौरे, ये कूटनीति है, ये राजनीति है। विदेश नीति विदेशों में घूम के नहीं बनाई जाती, प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठ के बनाई जाती है, संसद में बनाई जाती है। संसद में आते नहीं हो। मोदी साहब कुछ करो।